21 मार्च को अशोक गहलोत सरकार ने एक बिल पास किया, राइट टू हेल्थ बिल। इसके बाद जो हुआ वो आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि ये बिल क्या है और इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिरकार राजस्थान सरकार का राइट टू हेल्थ बिल है क्या। लोगों को ये अधिकार दिया गया है इस बिल के जरिए कि कोई भी अस्पताल या डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। इमरजेंसी में आए मरीज का पहले इलाज होगा। बिल अगर कानून बनता है तो अस्पताल आने पर मरीज को रकम डिपॉजिट नहीं करनी होगी। अब तक इलाज से पहले ही ये फीस ले ली जाती थी। सरकारी अस्पतालों में तो लागू होगा ही ये नियम, साथ ही निजी अस्पताल और सभी तरह के हेल्थ केयर सेंटर पर भी इसे लागू किया जाएगा। इलाज के बाद मरीज से फीस ली जा सकती है। मरीज अगर फीस देने में असमर्थ होगा तो बकाया फीस सरकार चुकाएगी या उसे किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर अस्पताल या डॉक्टर इलाज से मना करता है तो पहली बार 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और दूसरी बार ऐसा होने पर 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे। अब ये जानते हैं कि आखिरकार डॉक्टर क्यों कर रहे हैं इसका विरोध। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये कानून बनता है तो इससे निजी अस्पतालों के कामकाज में ब्यूरोक्रेट्स का दखल बढ़ जाएगा। राजस्थान विधानसभा में ये बिल 21 मार्च को पास हो चुका है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही ये कानून भी बन जाएगा। सरकार ये साफ कर चुकी है कि किसी भी सूरत में इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।